राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। नई रीट 2024 की परीक्षा की डेट की हो चुकी है घोषणा। विज्ञप्ति पर सवाल पूछने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 4-5 दिन के अंदर विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया का काम हो जाएगा। पदों की घोषणा अभी नहीं होगी, डीपीसी होने के बाद ही पदों का वर्गीकरण जारी होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो करीब 60,000 के आसपास पदों पर जारी हो सकती है रीट की विज्ञप्ति। रीट पात्रता परीक्षा पर दिलावर ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। अब विद्यार्थियों की मांग, रीट की घोषणा हो चुकी है, फर्स्ट ग्रेड और नई सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी जल्द जारी हो। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में खाली पड़े 3,815 पदों को भरने की मांग। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष ने भी संकेत दिया, 15 अक्टूबर तक जारी हो जाएगा परिणाम। रीट शिक्षक भर्ती, सहकारिता विभाग ने निकाली बंपर भर्ती। 16 जिलों के 44 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों का हुआ मूल्यांकन। महात्मा गांधी ने सिखाई बच्चों को इंग्लिश, श्रीगंगानगर। उपस्थिति रिकॉर्ड में हेरा फेर की तो मान्यता हो सकती है रद्द। सीबीएसई विद्यार्थियों की उपस्थिति जांचने के लिए होंगे औचक निरीक्षण, राजस्थान पत्रिका कोटा। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इस वर्ष की यूनिफॉर्म का पता नहीं। शिक्षण सत्र के 4 माह बाद भी विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का इंतजार, राजस्थान पत्रिका भोपालगढ़। 3,508 पदों पर भर्ती, 31 अक्टूबर तक करे आवेदन भारतीय एविएशन सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने रीट परीक्षा को लेकर दिया बड़ा बयान कोटा में। रीट पर कल हमने घोषणा की है, यानी शिक्षा मंत्री का कल का बयान है। रीट पर हमने कल घोषणा की है कि जनवरी में एग्जाम होगा, लेकिन मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया कि इसकी आवेदन प्रक्रिया और विज्ञप्ति कब जारी होगी। इस पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, 2-4 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। खुशखबरी, नई रीट शिक्षक भर्ती 2024 आवेदन प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। रीट परीक्षा का पैटर्न बदला, रीट शिक्षक भर्ती। मुख्यमंत्री का ट्वीट, लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा से जुड़ा सीईटी, ऐसे में उनके लिए परिवहन परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित कर ली जाए। भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने के लिए मिशन मोड पर कार्य करें। इसके अलावा न्यायालय में लंबित भर्ती प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए। भर्तियों में तेजी लाने के लिए सीएम की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, सभी सेमेस्टर में मिड टर्म के 20 अंक व 3 यूनिट हो तो 1,00,000 बच्चों को राहत है। पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म, अगले सप्ताह रिफंड का लिंक होगा एक्टिव। वेटनरी यूजी की खाली सीटों पर काउंसलिंग 14 अक्टूबर को होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सप्लीमेंटरी की मार्कशीट जिलों को भेजी। सीबीएसई उपस्थिति रिकॉर्ड में हेराफेरी होने पर मान्यता रद्द की जाएगी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, पीटीटी 80,000 अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी नहीं मिला प्रवेश। आलएलबी प्रथम वर्ष में 240 सीटों पर हुए 340 आवेदन। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, तकनीकी सहायक भौतिक पद
तीन पदों के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक होंगे। आरपीएससी कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज कॉलेजों में 5 महीने प्रवेश में ही निकल जाएंगे, ऐसे में सेमेस्टर और मिड टर्म करवाना संभव नहीं। बीएसएफ में 15,000 पदों के लिए आवेदन 14 अक्टूबर तक। उच्च शिक्षा में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या बढ़ी, एक दशक में 20% बढ़त। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। प्रभावित शिक्षकों के प्रतिवेदन पर शिक्षा निदेशालय को 6 सप्ताह में निर्णय करने के निर्देश। शिक्षकों के 30 साल का इंतजार खत्म, अब वेतन में वरिष्ठता का लाभ मिलेगा। सीईटी 12वीं 15 तक प्रवेश पत्र अपलोड हो जाएंगे। 12 श्रेणियों के पदों के लिए होगी परीक्षा। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक करने वाले कालेर गैंग ने ट्रेनी एसआई के नामों का खुलासा किया था। आरपीए ट्रेनिंग सेंटर की दीवार फांद कर भागे 3 ट्रेनी एसआई, 3 छुट्टी लेकर फरार हुए। डॉक्टर किरोड़ी लाल से मिले 100 ट्रेनी एसआई, कहा परीक्षा रद्द नहीं हो। बोले 60% चयनित नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती में शामिल हुए हैं। पीटीआई जग्गरवाल ने 150 प्लस फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटे, इनसे युवाओं ने शिक्षक कांस्टेबल की नौकरी पाई, रेट में और कांस्टेबल में, अब ये सभी एसओजी के रडार पर। 639 पीएमसी स्कूलों में लगेंगे योग व खेल टीचर। दसवीं बारहवीं के विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्कूलों में जाकर जांचेंगे सीबीएसई, 75% से कम मिली तो परीक्षा से बाहर करेंगे। रिकॉर्ड में हेरफेर किया तो स्कूलों की मान्यता रद्द, बोर्ड को 75% से कम उपस्थिति की सूचना 7 जनवरी तक देना जरूरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फैसला, प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के विषय विशेषज्ञ पर होगी कार्रवाई, किया जाएगा ब्लैक लिस्ट। अब भर्ती परीक्षा के पेपर में से यदि प्रश्न डिलीट हुए तो कार्रवाई तय, कुछ को तो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। शीतकालीन स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 5 नवंबर से। मॉडल उत्तर कुंजी प्रास से दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। 6 से 8 तक के बच्चों को सिखाएंगे कारपेंटर, सैलून जैसे काम, दुकान वर्कशॉप कर पर देंगे ट्रेनिंग। शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने की कवायद, पिछले सत्र के बच्चों को यूनिफॉर्म सिलाई के 200 रुपये अब मिलेंगे, शिक्षा विभाग ने राशि उपलब्ध कराई। जिला रैंकिंग, 33 जिलों की रैंकिंग लिस्ट में बीकानेर 29वें, हनुमानगढ़ 4 नंबर पर। अधिक वेतन का मामला, सेवानिवृत्त बाद में नहीं हो सकती वसूली। संस्थान अधिकारी को एपीओ करने पर कोर्ट की अंतरिम रोक। ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामला, एसओजी का खौफ, किरोड़ी से मिले चयनित का, हमने ईमानदारी से परीक्षा दी, रद्द नहीं हो। शिक्षकों ने चलाया दोपहरियों में वीक्षण कार्य के विरोध में अभियान। डॉक्टर किरोड़ी लाल से मिलने पहुंचे ट्रेनी एसआई, बोले परीक्षा रद्द हो। डॉक्टर मीणा ने कहा मुझे कमेटी में शामिल करा दो, अकेला ही फैसला कर दूंगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इस वर्ष विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म कब मिलेगी इसका अता पता नहीं। पिछले वर्ष सिलाई राशि से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अरब 1 करोड़ की राशि आवंटित है।